हो सकता है तेरे दो मालूम है ये काम करने जाता है बाहर तू तो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई आज मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से ना मेरे पेपर चल रहे हैं तो कहीं निकल नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा कि आज कॉलेज का व्लॉग करा जाए। अभी पहले मैं एक बार मंदिर जा रहा हूँ जरा, ठीक है, भगवान जी को प्रसन्न करने ताकि मैं पेपरों में पास होता रहूँ। यार एक्सटर्नल चल रहे हैं क्या करूँ, और आज गाड़ी ना पड़ोसी के मोहल्ले में खड़ी कर रखी है। अभी अगर पहले मंदिर जा रहा हूँ गाइस, फिर एक बार सक्षम के घर जाना है क्योंकि फर्रे बनाने मेन तो वही काम है, फर्रे बनाने, ठीक है। तो अभी एक बार मंदिर जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। सुबह 10 बजे उठ के पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 बजे बना पेपर है। ये देखो ये पढ़ाई चल रही है और ये भी पढ़ रहा है गाइस। पढ़ ले भाई पढ़ ले, पेपर लीक नहीं होते। अगर तू पेपर लीक होने के उसमें बैठा तो नहीं होते, पढ़ाई कर लो भाई। करेक्टरिस्टिक तो सर्विस पढ़ लो, स्पीकर भाई पढ़ रहे बाद में बात करेंगे। तो भाई 12 बजने वाले हैं, अभी तक पढ़ाई वढ़ाई चल रही है हमारा। ओए जल्दी जल्दी खा ले भाई, चलना फटाफट से। ओ डोगू भाई ओरियो, ठीक है। तो भाई अभी मेरा एक फर्रा ये तूने बना दिया है क्या भाई, गैप मॉडल का मेरे को ना याद सा नहीं हो रहा था, इसको मैं भाई एक बार फाड़ दूँ उसके बाद बात करता हूँ। ये ना मेरा गैप मॉडल, पता है हमारे ना हम लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं एक्सटर्नल जाके, तो हम एकदम से ना फ्लाइंग आती है, तो मैंने ये डीकोड करा है कि जो फ्लाइंग होती है ना भाई वो इधर उधर ऊपर नहीं कराती। उसने मैंने ऐसे चेक करा और भाई कुछ नहीं होता। तो इस बार ये है, इसको मैं पता क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे करके और ना यहाँ टका लूँगा। फ्लाइंग वाला यूँ भी कहेगा कि ऐसे करो, तो भाई ऐसे पकड़ रहे और ऐसे कर दूँगा, फिर गिरेगा ही नहीं। फिर जब हो जाएगा तो ऐसे करके और ऐसे कर दूँगा, कितना सिंपल है। जहाँ तक ये क्वेश्चन अटकना चाहिए बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। अब भाई हमको कौन पकड़ेगा, हमको कौन पकड़ सके, बता दे इनको, बताना। अरे कोई ना पकड़े, पर गलत कर रहा है तू, चीटिंग मत कर। अबे भाई मैं चीटिंग कर रहा, सुनो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पेपर में आ गया तो इसको रखे रखूंगा वरना वॉशरूम जाके फेंक दूंगा। कितना सिंपल है गाइस, तुम लोग भी तो यही करते हो ना सारे। एक ही तो चीज है, याद भी तो कर सकते हो तुम भाई, बहुत सारी चीजें याद कर ली ना। इसको तो ऐसे डाल गए और ऐसे रख लूंगा इसको। अच्छा भाई ध्यान से चलाइयो, मैं चाहता नहीं कि तू फंसे भाई। ऐसे भी करवाएगा ना तो भी नहीं रहा, और ऐसे करके सर कुछ भी नहीं है, सिंपल सिस्टम। आज हमारा पेपर हमारा वैसे सूरज में पेपर चल रहा है भाई, 2 से 5 का हमारा टाइम स्लॉट है, और है ना बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, और फिर शाम को वापस आते हैं ना, जाम बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो ये दिक्कत है। एक तो दोपहर में पेपर की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, नींद आनी शुरू हो जाती है। इस टाइम नींद आती है खाना खाने, है ना वही तो। और हम लोग खाना भी खा के आए, और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये हो रही है कि हम लोगों ने पढ़ भी लिया है सब चीज पर आता कुछ नहीं है। तो यार यही पुलिस वाले भाई रोक रहे थे हम बच के। तो गाइज हम लोग अभी पहुंच रहे हैं सूरजमल, सूरजमल पहुंच के आपसे गल्ला करते हैं, अपने दोस्तों से मिलवाते हैं, ये पूछता हूँ कि और कौन कौन लेके आया भाई, चर्रे फर्रे। तो अभी हम जा रहे हैं जी, और एक खुशखबरी भी, बहुत जल्दी इस महीने में अपनी गाड़ी आ रही है। हाँ ऐसा कह तो रहे, देखो मैंने 3 जगह बुक कर रखी अपनी गाड़ी, तीनों जगह में से जो सबसे पहले दे दे भाई मैं तो वहां से ले लूँ। और बाकी अनूप भैया भी कह रहे हैं कि वो दिलवा देंगे एक जगह है उससे, तो बात चल रही है भाई 4 जगह से, जो सबसे पहले दे देगा ले लेंगे, फिर ट्रिप मारेंगे भाई सबसे पहली। टाइम पे पहुंच गए, अराइवल तो बहुत देर का दिखा था, पर तुम्हारे भाई की ड्राइविंग स्किल्स में पता ही उड़ा उड़ा के लिया। और अभी भाई ये सूरजमल वालों की जो कॉलेज लाइफ है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कैफे वैफे है, मस्त मजा आता है। और हमारा कॉलेज क्या सर है, हमारा कॉलेज कितना सा है, हमारा कॉलेज भाई बहुत ज़्यादा छोटा सा है, उसमें मज़ा भी नहीं आता। बहुत रहे भाई जाम लग रहा है, बालकों से मिले कुछ पेपर वेपर डिस्कस करें, लीक वीक हुआ तो। चलो भाई गाइस से हाय टू माय व्लॉग। क्या है तू कहाँ चुप रहा, फर्रे दिखा दे कहाँ पे उधर फर्रे, देखना मैंने यहाँ रखा, देखा दार को कह रहा पता लगा यही रखे हैं सामने, इतने सारे बना के लाओ अब पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे भाई, मैंने तो यहाँ छुपा रखा है बेटे, आज तो सिस्टम हैंग कर देंगे, आज तो व्लॉग में आ रहा हूँ भाई। ये जितने भी बालक देख रहे हो ना, ये सारे वो है जो कल को बेरोजगार हो जाएंगे, किसी की भी जॉब नहीं लगेगी। हमारा सूरजमल अगला पेपर कब है हमारा, अगला पेपर कब है, 13 तारीख को मंडे को। ये देखो ये वो समझा रहा है जिसको खुद कुछ नहीं आता। और कहा मैंने बालक बालक फोन करना पड़ेगा, चलो भाई ढूंढ निकालते हैं भाई। तेरा फर्रा पकड़ लिया नहीं, हाँ यार पकड़ तो लिया, पर छोड़ दिया ना तेरे को, तो पेपर बढ़िया हो गया है, अब मीप करो इसको। तेरा कैसा बढ़िया गया, बढ़िया गया बस बैक आ सकता हूं। ओके तेरा कैसा कह रहे, मेरा तो इतना बढ़िया गया कि कंफर्म बैक है। तेरा कैसा गया पेपर गाइस, मेरे साथ एक बीटी हो गई है यार, मेरी पर्ची पकड़ ली यार, और मेरा पेपर फेल हो गया, क्या बताऊं। गाड़ी में बैठते हैं फिर बात करते हैं भाई। तो सीन ही हो गया कि वो फ्लाइंग वाले आए थे, फ्लाइंग वालों ने उसने मेरा हाथ हाथ ऊपर कर लिया, ऐसे हाथ ऊपर करा उसने ना,
पकड़ के और ऐसे खींचा वो, जैसे हाथ पकड़ के ऐसे करते नहीं है, ऐसे करते यूं करा, वो पर्ची आ गई। भाई तेरे को समझाया था कि सुबह ही मना कर रहा था मैं, एक चक्कर में तो पेपर कैंसिल करवाया अपना, अब बता क्यों नहीं जाता इतनी देर से, अब घर पे क्या जवाब देगा भाई। सबसे बड़ी टेंशन मेरे को यही है कि मम्मी को क्या जवाब दूंगा कि एक्सटर्नल का पेपर कैंसिल हो गया, एक साल बर्बाद हो जाएगा ऐसे तो। एक साल एक्स्ट्रा हो लगेगा तेरे को, लास्ट में थोड़ी करना था यार, मैं सुबह भी मना कर रहा था तेरे को। अबे यार उसका छोड़ दिया भाई यार, गोले का छोड़ दिया, गोले की चेकिंग नहीं हुई, मेरी चेकिंग होगी। अबे मेरी सामने वाली कृतिका है भाई, उसका भी पेपर कैंसिल हो गया, वो एक अलग टॉपिक है, वो घर जाके बताऊंगा, पर मैं ये सोचता हूँ भाई मम्मी को कैसे बताऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मम्मी को बताने की, इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे, देखते हैं अब कैसे बताऊं कैसे, पर भाई बता ही दे, अभी बता दे मेरे हिसाब से तो, आंटी फिर पिटाई तो जरूरी है तेरी इस चीज पे। घर जाके बताता हूं एक बार मम्मी से, यार हंसी भी आ रही है मेरे को, रोना भी आ रहा है, क्या करूं, दिक्कत हो गई छोटी सी। चलो एक बार घर पहुंचता हूं, बड़ी है घर पहुंचते फिर करते हैं मम्मी से बात। तू क्यों सैड है भाई, मेरा दुख बांटने के लिए दो भाई यार बुलाए मैंने। इसका दुख मजेदार दुख भी तो है। तो लोग मत करो, अबे भाई मम्मी को कैसे बताऊंगा मैं, पापा क्या मुझे तो नहीं पता, मैं बता दूंगा यार आंटी का, तू टेंशन मत। अबे पर्ची थी यहाँ छुपा ली मैंने इसके अंदर, और वो अबे पिछली बार उसने चेक ही नहीं करी थी, पिछली बार उसने चेक नहीं करी तो इस बार मैं ले गया, उसने ना मतलब तू पकड़ कैमरा को ऐसे पकड़ दे, उसने पिछली बार ना ऐसे ऐसे करा करके और छोड़ दिया, इस बार उसने क्या करा ये करा और फिर ये करा लिया। दूसरा तो बेंच है तो दिखी तो होगी, अबे मैं ऐसे लिख रहा था और एकदम से और खड़े हो जाओ, अरे भाई पढ़ लिया करो फिर दूसरे बेंच बैठते हो, पढ़ते नहीं तो बताओ मेरे को कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, मम्मी को कैसे बताती, तू देख लियो। अब मैं सो एक गोल्डन करके कुछ होता ना, सारा मिलता ना गोल्डन चांस, मर्सी चांस होता, मिलता मर्सी चांस, इसकी तो मर्सी हो चुकी ना। अब यार तुम लोग मजे लेने आए तुम मेरे, जेब थी फ्लाइंग आए ना, फ्लाइंग के सामने भी पर्ची खा लो यार, फ्लाइंग तुम्हारे पेट में से थोड़ी ना पर्ची निकाल देगी। सॉरी नहीं बोला कर, अबे मैंने तो बोला, मैं कहा सर पता नहीं कहां चला गया, अंगूठा लगवा दिया ऐसे, तो वो पेपर लेगा अपने साथ भाई, पेपर लेगा यार। एएमसी भी तो बन गई इसकी, एएमसी नहीं बनी मेरी, चलो फिर तो बच गया, एएमसी का केस होगा, एएमसी केस होता है फिर वो काउंसिल बैठती है उसमें जाना पड़ता है। एएमसी नहीं बनी उस गरीब को बताओ, अब मेरे को ये नहीं पता उसने मतलब बिल्कुल पेपर काट दिया, और अगर सिर्फ पेपर नहीं करने दे रहा था तो मैं पास हो जाऊंगा, इतना तो मैंने लिख दिया था, काट दिया वही तो मैं, वो कुछ नहीं करा बस पेपर लेके चला गया और कह रहा बाहर चले जाओ। कितना टाइम हुआ था पेपर शुरू हुआ भाई? 1.5 घंटा हो गया था, लिख दिया था मैंने इतना तो, पासिंग के लाइक तो लिख दिया था, फिर तो बच गया, काटा नहीं तो भगवान भरोसा। वो भी हां यार मैंने तो पहले यार मैंने पहली बार ना कुछ खुराफाती करने की सोची और पहली बार ही फंस गया, पहले पेपर में जो चेकिंग हुई मैं वो कह रहा हूँ, पहले पेपर में तो आता था मेरे को कुछ लेके नहीं आया, भाई सिर्फ एक एक गैप एक डायग्राम था जो मेरे को नहीं आ रहा था, भाई घर पे के लिए हम पढ़ा देंगे भाई, और थोड़ा घर तक चलो मेरे को बचा लेना, मेरी मम्मी मारे वगैरह तो। अरे मैं क्या बताऊं, हम तो पीछे से आए सपोर्ट करेंगे दूर से। हां यार कैसे बेवकूफ दोस्त है यार, अबे ये तो कोई सीन नहीं है, पता है अगर ये इसमें आप फर्रा डालो तो यहां से पकड़ा जाता, तो मैं कहता भाई तूने बहुत बढ़िया ट्राई करा, पर इसने तो बिल्कुल ही वो करा है, फर्रा कौन छुपाता, कोई ना भाव घर चल रहे हैं एक बार मम्मी से, ठीक है मम्मी आती, बहुत बदतमीज हो रहा है तू और फेल हो गया तो तेरे पापा को पता लगे की जब क्या करेंगे, पहले मना करेगी ना तुझे पढ़ाई पे ध्यान दे ले, आने दे तेरे पापा को, तुमने से सीखा था मेरे सामने तो मत नहीं मुंह लेके पढ़ाया ना, ना लिखने का निकम्मा होता जा रहा दिन पे दिन, यही राग लगा रखा है बस, कहीं का ना पढ़ना ना लिखना, और तेरे को फूंक दे तेरे को, और ले दे तेरे पापा को।
हम तो बाहर आ लिए डेंजर जोन से, ठीक है। बस जो बच के आए ना आंटी, हमें भी गाली बकरी थी भाई। हाँ भाई, तो हमें तो बुलाया था, तो बक के आ गए हम। तो भाई वो तो डेड हो गया, तो वो आपको नियर बाय हॉस्पिटल मिल जाएगा। भाई उसके तो जो चांटे लगे हैं ना, वो हमने ही सुने यार। तुम्हें आवाज आएगी तो भाई तुम्हें भी दिखे, पता तो चलेगी। बाकी भाई की दिखा सिस्टम होता है, हटवा दो यार बेचारे को, पास करवा दो यार। केस लगा, केस तो नहीं लगा ना? केस नहीं लगा, ये है फ्लाइंग आके उसका पेपर ले गई। पास करवा दो यार, ना तो हमें कहीं अप्रोच अप्रोच लगानी पड़ेगी फिर तो। गाइस इस व्लॉग की एंडिंग मुझे करनी पड़ेगी, इस व्लॉग में इतना ही था। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और लव यू गाइस।